अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैग्नेटिक कनेक्टर को टाइमर के जरिए कंट्रोल करके मोटर को चलाएंगे। इस तरह कनेक्शन करने का मेन मकसद इस वीडियो का ये है कि बाज़ औक़ात घरों में पानी की मोटर या मिसाइल मोटर ऑन करके हम अक्सर भूल जाते हैं, तो उस सूरत में पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उसके लिए इस तरह टाइमर लगाकर, मैग्नेटिक कनेक्टर लगाकर मिसाइल मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्पिनर का टाइमर है, ये 5 मिनट का टाइमर है, तो हम ये टाइमर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे वॉशिंग मशीन का। ये 15 से 18 मिनट का टाइमर है वॉशिंग मशीन का। इसके साथ मैग्नेटिक कनेक्टर लगाकर मोटर को चलाएंगे। इस मैग्नेटिक कनेक्टर के ज़रिए मोटर को चला लें या मिसाइल मोटर को चला लें, पानी वाली मोटर को चला लें, तरीका सेम यही होगा, कनेक्शन इसी तरह होंगे। तो सबसे पहले टू ट्वेंटी की वायर लेते हैं, न्यूट्रल फेस। इसके एक वायर के साथ हम टाइमर की ब्लैक कलर की जो वायर है इसको जोड़ेंगे। ये मैग्नेटिक कनेक्टर के एक पॉइंट पर लगा देंगे। उसके बाद टाइमर की हम सिर्फ ये दो तारें इस्तेमाल करेंगे, एक ब्लैक कलर की और एक ग्रे कलर की, क्योंकि हमने फेस टाइमर को देना है और टाइमर से फेस आउट करना है। बस हमने ये वन वे टू वे वाली तारें इस्तेमाल नहीं करनी और ना ये बजर वाली तार इस्तेमाल करनी है, सिर्फ ब्लैक कलर की और ग्रे कलर की तार हमने इस्तेमाल करनी है। तो जब टाइमर फेस पॉइंट के साथ ब्लैक कलर की तार को जोड़ दिया है, फेस मिल गया है टाइमर को, उसके बाद तार का एक पीस लगा लेते हैं मैग्नेटिक कनेक्टर की 220 क्वाइल को, और इसके साथ ये ग्रे कलर की तार जोड़ देते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रल लगाएंगे। न्यूट्रल तार लगा दिया, एक तार का लूप लेंगे जो इधर से न्यूट्रल के साथ लगा देंगे, न्यूट्रल इनके साथ लगा देंगे, और इसका दूसरा जो पॉइंट है वो जो इस मैग्नेटिक कनेक्टर की 220 की जो कॉइल है इस कॉइल को न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद इस मोटर की जो ये फेस की तार है रनिंग कैपेसिटर के साथ लगी हुई है, रनिंग के साथ ये फेस
हम इस फेस के सामने लगा देंगे, ये जो फेस वायर है हमारी इसके सामने लगा देंगे इस पॉइंट में, उसके बाद इस मोटर की जो न्यूट्रल वायर है उसको इस न्यूट्रल जो ये जो न्यूट्रल है इसके सामने लगा देंगे। इसके सामने लगा दिया। अब इस वायर को हमने 220 देना है, साकट में लगाना है। इस शू को साकट में लगाएंगे तो 220 यहाँ तक आ गया, 220 वोल्ट यहाँ तक आ गए, इन दोनों तारों में 220 वोल्ट आ गए। फेस टाइमर में गया, टाइमर से आउट होके 220 की कॉइल को पहुंच गया, न्यूट्रल यहाँ से आउट होके इस पॉइंट को पहुंच गया। जब टाइमर ऑन करेंगे मैग्नेटिक बैठेगा तो ये वाला 220 करंट इन दो पॉइंटों में आ जाएगा, इन दो पॉइंटों में आ जाएगा, इसको फेस मिल जाएगा और इसको न्यूट्रल मिल जाएगा और हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। इसको चला के चेक करते हैं। ये देखें हमारी मोटर ऑन हो गई है। इस तरह ये वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है ये 15 मिनट से 18 मिनट का टाइमर है, तो हमने अपने हिसाब से इसे घुमा लेना है। हमने 8 5 मिनट मोटर चलानी है, 10 मिनट मोटर चलानी है या 15 मिनट मोटर चलानी है, उस हिसाब से इसे घुमा देंगे तो पानी की मोटर चलना शुरू हो जाएगी। पानी चढ़ाना जितने मिनट भी हमने पानी की मोटर चलानी है इस टाइमर को उस हिसाब से घुमा देंगे, मुकर्रर वक्त के बाद ये टाइमर बंद हो जाएगा और मोटर हमारी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। मैग्नेटिक कनेक्टर लगाने का मकसद ये है कि ये जो टाइमर है ये 10 एम्पेयर या 15 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। टाइमर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कनेक्टर की 220 कॉइल को चलाना है बस। तो इस तरह हमारे ये कनेक्शन होंगे, ये हमारी मोटर बंद हो गई।